हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ कि आरसीटी में बैम्बू क्राफ्टिंग कोर्स चल रहा है। तो वो कैसे चल रहा है वो दिखाने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आशा है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा आप सभी को आज की वीडियो से। क्या करना है? खेल रहा है तो इसका छील के क्या करना है? पहले पतला पतला इसको करना है, पट्टी बैठ का काट के। क्या बना रहे हैं आप? इसमें क्या बोलते हैं, हम सूप जो है उसको बांधने वाले हैं। अच्छा, सूप बनाने वाले हैं जी। और आप इसको पतला कर चुके हैं? पतला कर, हाँ, तो उसको बनेगा। अच्छा, इसको बनेगा। इसका ये औजार का नाम क्या है? क्या बनाने वाली हैं आप? हाँ बताइए। बांधने वाला। अच्छा, बांधने वाली है। अच्छा, जरा ये तो ये बहुत अच्छा गुट रही है, देखिए जरा। अरे वाह, क्या नाम है? चटाई बना रही है। वाह, ये बन क्या रहा है? ये आपको फल रखने के लिए, ताकि इसमें मतलब छेद रहे। अच्छा, फल रखने वाला बना रहे हैं? हाँ, डलिया टाइप का ना, मतलब डलिया का ही, ये देखने में मजबूत लगेगा और अच्छा। देखने में मतलब इसका जो है ना, शादी ब्याह में जो टोकरी जो चढ़ता है फल उल देने के लिए। अच्छा, वाह वाह, गुड, वेरी गुड। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन जी में बहुत मेहनत है। देखने में लगेगा मैम बहुत आसान है, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ, गुथना है ना, इतना कितना बढ़िया से बीती करो फिर। ये आप क्या तैयार कर रही हैं? ये ट्रे है। ट्रे है, ट्रे को ये जो बीच में आप गुथ रही हैं, ये क्यों गुथा जाता है? ये रस्से से इसको मजबूत कर रहे हैं। मजबूत कर रहे हैं ना, अच्छा। अच्छा, ये सुई जैसा बनाए हैं? हाँ, इसको नहीं करने के लिए, नहीं अंदर नहीं जाता है ना। अच्छा, बांस का ही है। हाँ, हाथ से तो कैसे डोरी जाएगा, मतलब हाँ, सुई बना दिया बांस का ही। हाँ, वेरी गुड। आप ये क्या तैयार कर रही हैं? मतलब ये डिब्बा बनाने के लिए चटाई बना रहे हैं। अच्छा, डिब्बा बनाने के लिए चटाई बना रही हैं जी। तो इसको पहले क्या करें, बांस का क्या किए, प्रोसेस बताइए। मतलब पहले काटेंगे बांस को। हाँ, ये पत्ती से। हाँ, उसके बाद ये मतलब कातू कुल्हाड़ी से हम लोग छीलते हैं कातू से। अच्छा, कातू से। उसके बाद बित्ती बनाते हैं। हाँ, उसके बाद मतलब उसको पतला पतला फिर छीलते हैं। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा रख देते हैं इसमें धूप में। हाँ, सूख जाता है। इसके बाद हम लोग चटाई बोलने। अच्छा, कर देते हैं। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, गुथ के बताइए। इसमें पानी भी जरूरी है देना थोड़ा। अच्छा, पानी में भी डालते हैं इसको? हल्का हल्का। अच्छा, हल्का हल्का पानी डालते हैं जी। अच्छा, पानी अगर नहीं डालिएगा तो क्या होगा? ये लचीला मतलब सटेगा नहीं। अच्छा, सटेगा नहीं, मतलब पानी डालना जरूरी होता है ना, मुलायम रहेगा। मुलायम। अच्छा, करने के लिए मुलायम रहेगा ना, मतलब पानी से जो होता है नरम हो जाता है ना जी। शीश में नहीं रखेंगे, नहीं तो काला पकड़ेगा। हाँ, क्या बोले? शीश में जो ऊपर से पानी शीश गिरता है ना ठंडी का समय में। अच्छा 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 अच्छा, तो काला पकड़ेगा। अच्छा, तो धूप में रखेंगे तो अच्छा होगा। ओ, इसको धूप में रख के ही आप लोग बना रहे हैं ना? धूप में सुखाएंगे फिर बनाएंगे। अशीश में रखेंगे तो काला होगा, धूप में रखेंगे तो अच्छा होगा। ये आप क्या बना रही हैं? फूल। फूल ये क्या चीज में यूज करते हैं? गुलदस्ता। गुलदस्ता मतलब गुलदस्ता भी बांस का, फूल भी बांस का। वाह, कलर भी करते हैं। अच्छा, खूबसूरती हो गया, बांस से ही फ्लावर भी बन गया, बांस से गुलदस्ता भी बन गया, गुलदस्ता पॉट ना। अच्छा, ये सूप आपने बनाया है जी। चलिए, इसको बनाने में, इसको भी गूंथ के पहले कैसे कैसे प्रोसेस बताइए तो, कैसे बनाए हैं?
पहले हम लोग छीले, इसके बाद सुखाए, इसको बना लिए। अच्छा, इसको गूथना पड़ता है चटाई के जैसा, और फिर यहाँ कॉर्नर में कुछ किए हैं। हाँ, कोना किए यहाँ। हाँ, इसमें तो बहुत मेहनत लगे। कितना दिन में बन जाता है? बन जाता है एक दिन में। एक दिन में? वाह, मतलब कंटिन्यू आपको करना होता है। वेरी गुड। आप लोग को तो इसका मतलब एक्सपीरियंस हो गया ना करते करते, अब पूरा सीख गए हैं। अब आप लोग का करना है ना बिजनेस? करेंगे। हाँ, गुड। सीखने के लाए हैं। बाबू तो पहना बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मेहनत भी उतने खूबसूरत है। पैर से बना रहे हैं, हाथ से लगाते हैं, सब कुछ करना पड़ रहा है ना मैम। हाँ, वाओ, ये क्या बनाई है? बाल में लगाने वाला। गुड, गजब, बहुत ही अच्छा, एकदम कलाकारी है आपने, आपके अंदर आपने बनाया है। वाह, वेरी गुड। अब लगाएंगे मैम? अरे वाह, हाँ, काहे नहीं लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। आप लगवाइएगा तो जरूर लगाएंगे। इनका ये क्या बना रही हैं आप? क्या? अच्छा, सुप्पा, सुप्पा ना। अच्छा, आप स्टार्टिंग कर रही हैं? हाँ, अच्छा। इन सभी स्टूडेंट्स ने बड़े प्यार से इस बांस से बनी क्लिप को मुझे लगा भी दिया और मुझे उपहार स्वरूप गिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये फेविकॉल का क्या यूज होता है? लट्ठा में मतलब कहाँ लगाती हैं ये बताइए ना, जैसे मुंह छूट गया ना। अच्छा, इसमें लगाई है? ये क्या होना है बताइए? बाल में लगाने के लिए। इसका ये कहाँ गया डंका? अभी अभी बना रहे। ओह, बना रहे सुई। सुलग बना रहे। अच्छा, ये सूप का बिगनिंग पॉइंट है और ये बन के आएगा इसी तरह ये ना। आप बताइए, ये इसका जैसे कि ये स्टार्ट होगा तो इतना लंबा ले जाइएगा। हाँ जी। उसके बाद फिर इसका कोना करेंगे? कोना करिएगा। कोना करके मैं फिर बांधेंगे। अच्छा, बहुत सुंदर। ये डिजाइन आपने कैसे बनाया? वो आटा को सान के इसमें लिपट किए, डिजाइन करके रखे उसको इस तरह करके। अच्छा, उसके बाद इसको आग में जलाए। हाँ, उसके बाद इसको निकाल दिए तो डिजाइन आ गया ऐसे। अरे वाह, आग में मतलब हल्का हल्का धार लगा है ना, आग में जला करके इसको डिजाइन। बहुत सुंदर। इसमें तो शरबत, चाय, कुछ भी सर्व कर सकते हैं ना। ट्रे है, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत सा ये। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये गुथने वाला भी अच्छा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी कड़ी मेहनत से ये सब कलात्मक चीजें बनी हैं। बांस की ये टोकरी है, ट्रे है, और फुलडलिया भी है, टेबल लैंप वगैरह सब बनी है। सारी की सारी बांस से ही बनी है। गुलदस्ता पॉट है, डब्बा है, ढक्कनदार, ये देखिए बल्ब भी यहाँ लगा हुआ है। सोचिए कितनी अच्छी कलाकृति है, सारी की सारी बांस से ही बनी है। तो इन सभी का बहुत विदेश में मांग है, इन कला का बहुत कद्र होता है, इंडिया में भी है कद्र। तो आज आप सभी ने देखा कितनी अच्छी कलात्मक चीज़ें सीख रही हैं RCT में स्टूडेंट, और आगे अपने जीवन में अपना बिजनेस करती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं। तो आप सभी भी RCT से जुड़े और इनकम जनरेट करें, यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण लें और जीवन में आत्मनिर्भर बने।
अपना उद्योग खोले। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।